हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी कैसे हो लोग पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी कि नहीं आज मॉक टेस्ट डे है टेन यानी कि नाइन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर टेन डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट टेल मी आप लोगों को नीट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो वेरी गुड इवनिंग बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था मैं फिर से बता रही हूँ अन अकेडमी पर मैंने फ्री क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं रोज सुबह दस बजे मेरी क्लास होती है अन अकेडमी पर और रोज शाम को सात बजे होती है ठीक है तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नीट के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर आप लोग मुझे मिलो रोज सुबह दस बजे और रोज़ शाम को सात बजे ठीक है जी राइट अभी कुछ नहीं कह सकते अंकित जी क्योंकि ट्वेल्थ के बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो चुके हैं तो शायद अपने समय पर ही हो जाए नीट या फिर अगर आगे पोस्टपोन होता है तो आप मान के चलो जुलाई एंड या अगस्त बिगनिंग में हो जाए ठीक है हम क्लास ट्वेल्थ और इलेवेंथ दोनों ही मैं वहां पर प्रिपेयर करवाऊंगी और जो बच्चे अब क्लास ट्वेल्थ में आए हैं काफ़ी बच्चों ने जूम क्लासेस के बारे में मुझसे बोला था बेटा देखो स इज माई पर्सनल चॉइस वो मैं अपने जो ट्यूशन है वो दैट इज डिफरेंट थिंग वो पेड सेशन होगा ठीक okay? है लेकिन मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए सारी फ्री क्लासेस डाली हुई है पूरी क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस अपलोडेड है बट फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर फ्रेश वीडियोज आप लोगों के लिए बनाऊँगी क्लास ट्वेल्थ का लेटेस्ट वीडियो ठीक okay? है उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए राइट वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बट येस जो भी बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे रोज सुबह मुझे अन अकेडमी पे मिलो दस बजे ढेर सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो हम डिस्कस करते हैं और रोज शाम को सात बजे हम थ्योरी क्लासेस वहाँ पर लेते हैं ठीक है तो आपका दो महीने में पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बच्चों चलो तो आज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी की क्विज है राइट तो स्टार्ट करते हैं फिर सब बच्चे तैयार हैं एकदम ऑल सेट एवरी वन सब बच्चे एकदम तैयार हैं शुरू कर दे फिर चलो सिव मी अ सेकेंड ओके हाँ जी चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों की स्क्रीन पर है छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर हम इसको कर लेंगे ना मैं ही मैं नजर आऊंगी तुम लोगों को है ना चलिए बी रेडी नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पर मिनरल दैट मस्ट बी कंज्यूम्ड ओहो आई थिंक दिस वन इज नॉट क्वेश्चन पेपर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हमें यहाँ पर चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन राइट हेयर इट इज बच्चो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पर आई एम गुड बच्चो फटाफट से मोहित बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आंसर करना शुरू कीजिए बताइए क्वेश्चन नंबर वन चलो भाई

मैंने फ्री क्लासेस डाली हुई है पूरा क्रैश कोर्स है है ना प्लेलिस्ट चेक करो नीट के लिए क्रैश कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बच्चों हेलो राहुल सागर वेरी गुड इवनिंग नीरज बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का ए कम ऑन क्वेश्चन नंबर टू रेस्ट्रिक्शन एंडो डो आर बताइए बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज आर इनका यूज है कहाँ पर ये फॉर्म होते हैं है ना क्या फंक्शन करते हैं चारों को पढ़ो और सही उत्तर बताओ ऑन ओके वेरी गुड केशव बिल्कुल सही बात है बच्चों जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज़ होते हैं डिफेंस के लिए ठीक है वेरी गुड बच्चों सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन किसने सिंथेसाइज किया था बताइए फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वॉज सिंथिस को रीड करो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड खुराना बिल्कुल सही बात है वेरी गुड वेरी गुड बट्टो कमऑन एस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियम्स आर एंजाइम्स विच क्या करते हैं ये आलोक मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी बेटा जल्दी स्टार्ट करूंगी बट नीट के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं खाना अकेडमी पर जो मैंने फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो रोज सुबह दस बजे और रोज शाम को सात बजे चलिए वेरी गुड बच्चों बिल्कुल सही बात है क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट अबंडेंट आर एन एफ दी सेल सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आर होता है बच्चे मैं ये नहीं कह रही एन सी आर टी मोर देन इनफ है बट नाइन्टी में से रमेश आप कम से कम एट्टी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो अगर आपने एन सी आर टी अच्छे से पढ़ ली तो ठीक है चलो करेक्ट आंसर बताओ विच वन इज करेक्ट वेरी गुड आर आर एन ए यानी कि राइबोजोमल आर एन ए बहुत बढ़िया अमौन इन डीएनए डी एन ए मॉलिक्यूल इज एटीन परसेंट तो एडिनिन कितने परसेंट होगा बच्चों बताइए बिल्कुल आशीर्वाद आपके साथ है कम ऑन एवरी वन अगर साइटोसिन एटीन परसेंट है तो एडिनिन कितने परसेंट होगा सोचो सोचो चले बच्चों करेक्ट आंसर होगा ए वेरी गुड क्यों भाई क्योंकि जितना साइटोसिन है उतना ही जी होगा यानी कि दोनों को मिलाकर थर्टी सिक्स हो गया हंड्रेड में से थर्टी सिक्स गए तो बेटा कितने बचे सिक्सटी फोर तो ये जो सिक्सटी फोर है हेमराज ये किस किस के लिए है ये किस किस के लिए है एडेनिन और थाइमीन. तो हाफ कर दोगे थर्टी टू आ जाएगा ओम भैया बताते तो रह अकेडमी पर फ्री क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है नीट 2021 के लिए ठीक है तो बच्चों आप रोज सुबह सात दस बजे और रोज शाम को सात बजे मुझे अन अकेडमी पर मिलो पूरा क्रैश कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा चलिए एक डीएनए का सीक्वेंस है टी ए जी वट विल बी द सीक्वेंस इन एंटीकोडोन एंटीकोडोन ऑफ टी आर एन ए बताइए कम ऑन एवरी वन क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शंस को बढ़ो बच्चों कम ऑन वेरी गुड हेमराज बहुत अच्छे रमेश किरण वेरी गुड बाकी बच्चों ने गलत बताया बेटा करेक्ट आंसर है ए देखो डीएनए का सीक्वेंस टीएजी है है ना तो टी आर एन ए की बात हो रही है मैसेंजर आर एन ए की बात नहीं हो रही जब क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर आर एन ए बनेगा तो उसमें हो जाएगा यू फिर टी की जगह तो ए आ जाएगा फिर यहाँ पर यू आ जाएगा फिर यहाँ पर सी आ जाएगा है ना यू टी लेकिन ये आगे चल के भी तो आर एन ही बनेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यू ए जी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट बायोलिस्टिक्स यानी कि जीन गन इज सटेबल फॉर किस चीज़ में काम आती है जीन गन चलो जल्दी से बताओ हेलो जैन गुड इवनिंग अमोन एवरी वन बायोलिस्टिक कहाँ पर काम आती है फटाफट से बताओ कौन सा उत्तर दे रहा है वेरी गुड प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत अच्छे विच वन कंटेन्स फोर पैरामिडीन बेसिस इनमें से किसके अंदर फोर पैरामिडीन बेसिस प्रेजेंट है अमोन नीरज ट्राई करो बताओ सही उत्तर क्या होगा यूरिन और पैरामिडिन कल की क्लास में भी समझाया था मैंने आपको क्या बेटा करेक्ट ए वेरी गुड शुभांगी वेरी गुड नौरीन बहुत अच्छे आदित्य किरण बेटा देखो यूरिन में आते हैं ए और जी पैरामिडिन में आते हैं कट सी यू टी तो यहाँ पर एक टी है एक सी है फिर से टी है फिर से सी है उसका मतलब चार पैरामीडीन यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है वंशिका चलिए डबल चेन डीएनए स्ट्रैंड इज मेड रेडियो एक्टिव इन बोथ इट्स चेन इट इज अलाउड टू रेप्लिकेट ट्वाइस इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम है ना क्या रिजल्ट आएगा बताइए कम ऑन एवरी क्वेश्चन नंबर टेन चलो सोचो सोचो भाई पहले रेडियो एक्टिव थे लेकिन उसको नॉन रेडियो एक्टिव वाले मीडियम में रख दिया फिर क्या होगा वेरी गुड बच्चों आधे स्ट्रैंड्स में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी आधे में नहीं ठीक है कम ऑन जेनेटिकली इंजीनियर जो बैक्टीरिया है उसको हमने यूज़ किया था किसके प्रोडक्शन में बताइए चलो कौन से बैक्टीरिया को किस चीज की फॉर्मेशन में यूज किया बच्चों, चलिए, टू फोर ईयर ओल्ड गर्ल विथ ए डी ए डिफिशेंसी बताइए कौन सी थेरेपी दी थी बच्ची को चार साल वाली बच्ची को उत्तर चुन लो बस क्या बात है अरे वाह जीन थेरेपी नौ जिज्ञासा बच्चे जीन थेरेपी दी थी अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ए डी ए डिफिशेंसी नहीं लिखा होता इसकी जगह पर अगर यहाँ पर आ, क्या लिखा होता सार्स तो भी वो करेक्ट होता चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर दी जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम बताइए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है उसको क्यों डेवलप किया गया है हेलो अंकिता बताओ बच्चे क्यों डेवलप किया था वेरी गुड वंशिका दिव्यांशी नीरज बहुत बढ़िया बच्चों इंसेक्ट से रेजिस्टेंस पाने के लिए वेरी गुड कमॉन मधुसूदन वाव एम बी बी एस की फुल फॉर्म पूछने के लिए आपको ये लाइव क्लास ही मिली मेरे भाई है? oh <laughs> हैं बताओ जी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने माय गॉड चलो सच्ची में तो नहीं पूछे ना ऑल इन वन हाँ मैं जल्दी करूँगी वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने पहले से ही क्लास ट्वेल्व का पूरा सिलेबस अपलोड किया हुआ है चैप्टर वन से लेकर फिफ्टीन तक की सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लो ठीक है इनफैक्ट एन को भी मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है वेरी गुड बच्चों माइस बिल्कुल सही है चले द प्रोसेस ऑफ आर एन हैज़ बीन यूज इन द डिवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू बताइए आर एन इंटरफेरेंस को किसके रेजिस्टेंस के लिए यूज किया था बहुत जल्दी करूंगी मैं ऑल इन वन डोंट वरी नो अभिनव वेरी गुड बच्चों नो नीलम दैट्स रॉन्ग मैम आप डे बाय डे इतने ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं भाई ये एडिटिंग का कमाल है भ्रम में मत आओ सब कैमरा की एडिटिंग है ये ठीक okay, है ओके वंशिका चलो बच्चों करेक्ट आंसर है बी दैट इज नैम ठीक है जी चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू बताइए तमान नई केशव तमान बच्चों एक्टिव कब हो जाता है ये वेरी गुड एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट बहुत अच्छे कमान क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ट्राई वन एंडोटॉक्सिन जो कि बेसिलसुरजेस ने प्रोड्यूस किए थे किसके अगेंस्ट काम करते हैं बच्चों वो बताइए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन चलो चलो करेक्ट आंसर बताओ वेरी गुड बॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज बायोपेस्टिस इनमें से किसका बायोपेस्टिसाइट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता चलो 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 ऑप्शन को रीड कर लो अरे आप नॉट यूज एज बायोपेस्टिसाइट ओके लेकिन काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है बच्चों कौन सा होना चाहिए सोचो एक बार करेक्ट आंसर क्या होगा चले ए होना चाहिए बेटा जेंथोमनास है ना बच्चे न्यूक्लियर वायरस के लिए भी कह रहे हैं है ना दैट दिस वन दोनों में से जब बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है तब हम कौन सा चुनते हैं हाँ जी <coughs> कौन सा चुनोगे बच्चों फर्स्ट ही चुनोगे क्योंकि आपने न्यूक्लियोपोली के बारे में तो एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा है ना दैट इज यूज्ड एज क्या बायोपेस्टिसाइड आईपीएम भी लिखा हुआ था बच्चों वहां पर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर आओ ट्रांस जेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इनमें से किसको खाने पर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बताइए बच्चों कमॉन करेक्ट ऑप्शन बताओ ओके ओके वेरी गुड बच्चों गोल्डन राइस क्यों क्योंकि जो गोल्डन राइस होते हैं ना दीज आर रिच इन वाइटामिन ए और हमारी आँखों को आई साइड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वाइटामिन ए की ज़रूरत होती है रेटिनल नल होती है ना हमारे आँखों में रोडोप्सिन पिगमेंट द क्रॉप्स हैविंग क्राई जीन्स नीड अगर किसी क्रॉप में ऑलरेडी क्राई जीन प्रेजेंट है तो उसको किस चीज़ की जरूरत है या जरूरत नहीं है बताइए ऑन कम ऑन एवरी वन ट्राई योर बेस्ट नो 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 डियर स्टूडेंट बच्चों ऑलरेडी अगर उसके अंदर क्राईजीन्स हैं तो उसको किसी भी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है ठीक है याद रखना चलो क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल ये कौन से टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं प्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए बी बताइए बच्चों कब और ट्राई करो ट्राई करो विच वन इज करेक्ट अरे क्या बात है बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड बच्चों कॉटन बॉल वम्स एंड कॉर्न बॉर रिस्पेक्टेड है ना वेरी गुड यस आलोक आई विल ट्राई माय बेस्ट क्या बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर आओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही हैं बताइए चलो पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो फिर बताना विच वन इज करेक्ट कम ऑन एवरीवन रीड ऑल दी ऑप्शंस केयरफुली सॉरी कम ऑन कम ऑन अच्छे से पढ़ो तभी बता पाओगे करेक्ट कौन सा है नमस्ते मयांग गुड इवनिंग हाँ जी बच्चों देखो सिर्फ इसमें पहली वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट है बायो वॉर इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ करना ह्यूमंस को क्रॉप्स को या एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए है ना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी देखो बायो पेटेंट का मतलब क्या है प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना बायो एथिक्स में लिखा हुआ है बायो रिसोर्स और ट्रेडिशनल का अनऑथोराइज यूज वो पेटेंट है और ये बायो पायरेसी है ठीक है सागर चलो नेक्स्ट कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करो चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बताइए कुछ तो देखते ही पता चल जाएगा बेटा देखो जल्दी से ऑप्शंस को चलो और कुछ देखे ना देखे कुछ बच्चों ने ये देखा कि जो बेसिलसथोरजेनेस है वो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा और हमेशा याद रखना जो बायो रेमिडिएशन है बच्चों इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को डिक्रीज करना कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है इसके लिए टूडोमोनाज ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ एस जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको पेशेंट के सेल में इंट्रोड्यूस किया गया था इसका यूज करके बच्चों बताइए अच्छे से बताओ समॉन एवरीवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एक बार ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो और एकदम सही उत्तर बता दो चलो भाई

अनक्लोपीडिया क्लब बिल्कुल सही चलो करेक्ट आंसर बताओ बस भाई समझ गए एक बार में समझ गए हम काफी बच्चे कह रहे हैं बी और कुछ कह रहे हैं ए वेरी गुड दिव्यांशी मीनाक्षी ए एब्सोल्युटली करेक्ट गोल्डन राइस को देखकर पता चल गया कि यहाँ पर विटामिन ए होगा है ना वेरी गुड रोहन चलिए ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन में से कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है एक बार आप ऑप्शंस को रीड करो और फिर बताओ चलो भाई वर्षा समान ऑप्शंस को पढ़िए एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंप्रूव करता है प्लांट्स की, मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन को बीटी कॉटन रेजिस्टेंट होता है बॉलवॉम से से वेसिलसथुरजेनेसिस ड्राई प्रोटीन को फॉर्म करेगा एनी फेज ऑफ देयर ग्रोथ में या फिर वेसिलसथुरजेनेसिस हार्म नहीं करेगा अपने आप को प्रोटॉक्सिन चेंज हो जाता है एक्टिव में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम कौन सा करेक्ट है मतलब इनकरेक्ट है बच्चों आंसर होगा सी सिर्फ यहाँ पर थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत दे रखी है ठीक है एक स्पेसिफिक फेज में करता है ना कि एनी फेज में है ना बाकी सब ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इनमें से कौन से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं बताइए इनमें से कौन से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं कमॉन कम कमॉन एवरीवान ऑप्शन को रीड करो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ चलो चलिए कुछ ही बच्चों को पता था बच्चे बीटी कॉटन और टोमेटो दोनों ही यहाँ पर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वैसे डॉली होती है शीप जो न्यूक्लियर क्लोनिंग से बनाई गई थी लेकिन ये ट्रांसजेनिक नहीं राइट कम ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है एक बार ऑप्शन को पढ़ो और फिर बताओ हम्म कम ऑन एवरी बहुत सिंपल है एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा चलिए क्या करेक्ट आंसर है हाँ जी बच्चों बचवन इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नो दिव्यांशी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सारे ऑप्शंस को पढ़ो बच्चों ये जो थर्ड वाला है ये इनकरेक्ट है बाकी सब बिल्कुल ठीक है वेरी गुड रोहन ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है बाकी सब बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो यहाँ पर एनिमल का इंसुलिन होता है जैसे पिग्स वगैरह का वो ह्यूमन के इंसुलिन से आइडेंटिकल नहीं होता तभी तो लोगों में एलर्जी हो जाती है है ना चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एक बार इसको पढ़िए मैच द फॉलोइंग करो और सही उत्तर बताओ चलो भाई कमान एवरीमान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए कम ऑन। फोर्टी क्वेश्चन टोटल हम आज डिस्कस करने वाले हैं काफी बच्चों को करेक्ट आंसर आता है वेरी गुड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है जीन थेरेपी में एस या फिर ए डी ए डिफिशेंसी आ जाएगा उससे ही सारे आंसर हो जाएंगे ये बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है मैच थी फॉलोइंग दोबारा से चलो भाई कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टी हेलो एक बार सही उत्तर बता दो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है कम ऑन एवरीवन ओहो तो कुछ ही बच्चों को आता था तो बेटा किसी और चीज़ से पता चले ना चले इसको देख लो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करता है है ना इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा ऑप्शन सी होगा ठीक है चलो भाई बेसिल क्या करेगा पीटी टॉक्सिन को बनाएगा राइजोबियम ने क्या किया नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीन है उसको इनकॉपरेट किया टूडोमोनास क्या करता है बच्चों ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा बट एक्चुअल में जो ह्यूमन इंसुलिन है उसकी फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर आओ डैश इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स बताइए इनमें से कौन रूट्स को इन्फेक्ट करेगा टोबैको प्लांट की हमॉन वेरी गुड अंकित क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एंड सही उत्तर क्या है बच्चों? देविक वेरी गुड वंशिका एलसी वेरी गुड सही उत्तर बता दो बहुत अच्छे भावना क्या बात है सागर बच्चो गायन कॉग्निशिया वो नेमाटोड है जिसके अगेंस्ट आरएनए इंटरफेरेंस का हम यूज करते राइट ये बता। कम ऑन। जब एक पेशेंट एडीए का ट्रीटमेंट जिसको दिया जा रहा हो तो कौन से स्टेप्स यहाँ पर सही होंगे बताइए चलो कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे जीन थेरेपी के लिए तमाम कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं बेटा वेरी गुड वेरी गुड बच्चो ए इज एप्सोल्यूटली करेक्ट सारे ही स्टेप्स होते हैं कोमल लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालेंगे पेशेंट में कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसके अंदर डालेंगे रेट्रोवायरस का यूज करके और फिर वापस पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे राइट चलो भावना एक बार रिफ्रेश कर लो और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो तो क्लियर दिखेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्टी थ्री फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर कौन से स्टेप बिल्कुल ठीक है अंकित कौन से स्टेप बिल्कुल ठीक है मंडल अन अकेडमी पर रोज सुबह दस बजे मेरी क्लास होती है और रोज शाम को सात बजे ठीक है जी तमाम बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बताओ करेक्ट चलो एक बार पढ़ लो ऑप्शंस को कम ऑन एवरीवन वेरी गुड इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों सबसे पहले डीएनए का सैंपल निकालोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करोगे इलेक्ट्रोफोरसिस पे फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन होगी फिर डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड ब्लॉटिंग करवाओगे सदन ब्लॉट एंड देन प्रॉप फिर ऑब्जर्व कर लोगे क्या ना चलो मैच द फॉलोइंग कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए कम ऑन ये ब्लर है लेट मी सी वीडियो की क्वालिटी आप लोगों ने बढ़ा ली है हाई पिक्चर क्वालिटी कर ली है तब भी ब्लर आ रहा है क्या अरे यार यार मेरे में तो थोड़ा देखो विजिबल तो है ना हाँ तो so, क्या करेक्ट होगा बच्चों वेरी गुड वेरी गुड आरती कुनाल बहुत अच्छे इज एब्सोल्युटली करेक्ट चलो बहुत अच्छे दान्या क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नेम ऑफ द ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी कौन सा ड्रग यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में कैंसर ट्रीटमेंट में कमॉन No, no, <coughs> स्ट्रांग बनाने के लिए ये बताइए ह्यूमन का जो इंसुलिन है जब हमने ट्रांसजेनिक स्पीशीज को यूज किया था तो करेक्ट आंसर क्या था अमौन कौन से पैथोजन सॉरी कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं हम इंसुलिन की फॉर्मेशन के लिए यस मंडल मेंडल सॉरी चलो सही आंसर बताओ क्या बात है नो सागर की कोलाई को यूज़ किया था ईश्वरिया कोलाई को ठीक है बच्चों चलिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए एक बार ऑप्शंस को रीड करो फिर बताओ करेक्ट क्या है तमाम चलो भाई पढ़ लो एक बार ऑप्शंस <coughs> को पढ़ो सही उत्तर वेरी गुड सी यही फर्स्ट स्टेप होता है डी नेचुरेशन कमॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ये सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था रासिका नेपूस क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा ये बताइए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था ना मैंने आपसे नो डेलसी अच्छो हीरोडिन को हीरोडिन एंटी कोग्युलेंट नेचुरल कॉग्युलेंट है ये चलिए व्हाट इज ट्रू ऑफ प्लाज्मिड प्लाज्मिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कम ऑन आरती क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एक बार ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ सही क्या है अमोन बच्चो विच वन इज करेक्ट वेरी गुड चलो वाइडली यूज किया जाता है बच्चों जीन ट्रांसफर में वायरस में तो मिलता नहीं है बैक्टीरिया में मिलेगा ठीक है चलिए। यहाँ पर वंशिका इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा सारी बायोलॉजी की वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाके देखो ठीक है बच्चों? टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अमाटोड है इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन एड्यूस्ड बताइए कौन से डी एन ए को इंट्रोड्यूस किया था हमने टोबैको प्लांट में क्या बनाया उस डी एन ए जाकर कमान वेरी गुड राजवे कुनाल क्या बात है भावना अच्छो बहुत अच्छा नीरज Both sense and -sense RNA. ठीक है जी कोमल बिल्कुल सही है बेटा जब वो डीएनए होस्ट प्लांट के अंदर गया था तो फिर सेंस और एंटी सेंस दोनों ही तरीके के आर एन ए की वहां पर फॉर्मेशन होती है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसीलिए संजना डबल स्टैंडर्ड आर एन ए यहाँ पर बनेगा और पैथोजन का जो मैसेंजर आर एन एस साइलेंसिंग हो जाएगी किसी को कहा जाता है क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आर एन इंटरफेरेंस वेरी गुड इवनिंग साक्षी वेलकम वंशिका ये बाकी बच्चों को अभी तक ये बात रियलाइज नहीं हो रही है कि अन अकेडमी पर इतने सारे क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रेगुलरली भी आ सकोगे आप तो रोज सुबह दस बजे और रोज शाम को सात बजे अन अकेडमी पर आप लोग मुझे मिलिए कल मैं क्लास इलेव ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फाइव प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसकी क्विज करूँगी कल सुबह दस बजे ठीक है बच्चों ऑल द बेस्ट मिलते हैं फिर कल बाय बाय टेक केयर बाय वर्षा थैंक यू बाय बच्चों टेक केयर